मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में गुंडागर्दी अपने चरम पर पहुंच रही है। लगातार गुंडागर्दी के कुछ ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिन्हें देखकर और जिनके बारे में सुनकर आम इंसान की रूह कांप जाए। अब गुंडे न सिर्फ ज्यादती करते हैं, मारपीट करते हैं, बल्कि अपने अपराधों का वीडियो भी बनाते हैं और इन वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल भी करते हैं। छतरपुर के सोशल मीडिया ग्रुप्स में कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें एक युवक के साथ कुछ लोग बुरी तरह से मारपीट कर रहे हैं। मारपीट करने वालों ने तो अपने चेहरे छिपा रखे हैं, लेकिन जिस युवक को पीटा जा रहा है उस युवक के साथ बुरी हरकत की गई। न सिर्फ मारपीट की गई बल्कि उसके कपड़े उतरवा कर उसे नंगा भी किया गया। ये मामला छतरपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के बजरंग नगर इलाके से सामने आया है। यहाँ रहने वाले एक युवक ने सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई है। हम इस युवक की पहचान उजागर नहीं कर रहे हैं, ना ही इसके वीडियो को स्पष्ट तौर पर आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इन तस्वीरों को दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि छतरपुर में गुंडे बदमाशों पर लगाम नहीं कसी जा रही है। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। एक युवक को कुछ लोग लगातार मारपीट कर रहे हैं, उसे बेल्टों से पीटा जा रहा है, गालियां दी जा रही हैं। इतना ही नहीं, एक और युवक जो कि उसके साथ था, उसके साथ भी बुरी तरह मारपीट की गई। ये दो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए गए। इनसे मारपीट कर इनके वीडियो इसलिए बनाए गए ताकि ये पुलिस में शिकायत ना कर पाएं। बहरहाल इस मामले में सिविल लाइन थाना पुलिस में एक मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। जी, कल एक रिपोर्ट दर्ज की गई है जिसमें फरियादी ने बताया कि उसके साथ मारपीट हुई है और मारपीट के साथ उसके साथ जूते वगैरह भी टच करवाए गए हैं, तो जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है और जिसकी विवेचना की जा रही है। इस प्रकरण में कुल चार लोगों को आरोपी बनाया गया है जिसकी तलाश की जा रही है। विवाद किस बात को लेकर हुआ था? ये मूर्ति विसर्जन के बाद इनका आपसी कोई विवाद था जिसकी विवेचना की जा रही है, जिसपे स्पष्ट होता है तो उसे क्लियर किया जाएगा। क्या नाबालिग को जूते में थूक लगा करके चटवाने का वीडियो जो सामने आया सही है वो? जी, ये विवेचना में भी ये भी चीजें आ रही हैं जिसमें विवेचना में देख के उस पर कार्रवाई की जाएगी। कहाँ पे घटना हुई? ये छतसाल नगर की बात है। कितने लोगों ने घटना को अंजाम दिया? चार लोगों ने घटना को अंजाम दिया है। मामला दर्ज हो गया? जी, कल प्रथम सूचना दर्ज कर दी गई है। मारपीट की और अन्य धाराओं में उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया। जी नहीं, अभी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, लेकिन उनकी लोकेशन मिल रही है, जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।